हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत आज के फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस, इन्फिनिक्स के नॉट 11 यस डिवाइस के बारे में। एंड आज के अपने टॉपिक होने लगा गाइस कि आप अपने फ़ोन के स्टेटस बार में नोटिफिकेशन आइकॉन्स को कैसे शो करेंगे, कैसे इनेबल करेंगे गाइस, वही सेटिंग के बारे में अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अभी देखिए गाइस, मेरे फ़ोन के स्टेटस बार में आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आइकॉन शो हो रहे होंगे। एंड गाइस आपके फ़ोन में नहीं हो रहे हैं तो आप उसको कैसे इनेबल करेंगे हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखिएगा अपने फ़ोन की सेटिंग कौन करना है, देन आपको चले जाना है नोटिफिकेशन सेंटर में। आप इस पर क्लिक करेंगे सो सिंपली गाइस आपको इस प्रकार से एक इंटरफेस होता है जहाँ पे आपको मोर सेटिंग पे क्लिक करना है। एंड गाइस आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है सेकंड नंबर पे नोटिफिकेशन आइकॉन और स्टेटस बार का, तो सिंपली गाइस आप इसको इस प्रकार से इनेबल कर लेंगे। अभी देखिए मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो मेरे फ़ोन के स्टेटस बार में आपको देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गाइस नोटिफिकेशन आइकॉन शो नहीं होंगे। अब देखिए मैं इसको इस प्रकार से ऑन कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में नोटिफिकेशन आइकॉन शो होने लगेंगे। तो सिंपली गाइस आप इस प्रकार से अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन आइकॉन स्टेटस बार में शो कर सकते हैं एकदम आसानी से गाइस, जो कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया है। देन गाइस आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन का, तो आपको इसको भी यहाँ से ऑन कर लेना है। कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन सेंटर के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सिंपली गाइस आप इस प्रकार से सेटिंग को इनेबल करके यूज़ कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।